नमस्कार भैया, जय गुरुदेव। क्या नाम है आपका? जय हिंद भगत। हाँ, जय हिंद भगत। क्या बात, बहुत सुंदर नाम है आपका, जय हिंद। क्या पुस्तक लिया है आपने? नहीं, जरा घुमा के दिखाइए दोनों किताबें हमें एक साथ करके। जी जी, आप बहुत देर से पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे विवेकानंद जी की पुस्तक को, क्या मिला इसमें, क्या सोच रहे थे आप? स्वामी विवेकानंद जी जो भी मतलब किए हैं, हाँ, विदेशों में जाके, हाँ हाँ, और एक अपने धर्म से अलग मतलब निकल के, हाँ, जो मतलब थोड़ी पुरानी रूढ़िवादी थी उसको तोड़ते हुए क्या बात। और उससे पहले आज तक कोई विदेश जाते नहीं थे, विदेश में जाना लोगों को मतलब गलत समझा जाता था। हाँ हाँ, तो समुद्र पार करके पहली बार उन्होंने मतलब गए अपनी भारतीय धर्म को वहाँ स्थापित किया जाके। बहुत सुंदर ये पुस्तक में, आपको बहुत छोटा है पर इसमें बहुत सुंदर सार गर्भित उनके जीवन की व्याख्या लिखी है। हाँ, बड़ी पुस्तक भी मिल जाएगी पर ये जो है ना, ये इसमें भी पूरी सार गर्भित उनके जीवन का सार रखा गया है। आप यहाँ बहुत सारी पुस्तकें लगी हैं भैया, यहाँ पुस्तक स्टॉल, यहाँ देखिए वार्षिक कैलेंडर भी है, अखंड ज्योति पत्रिका के युग निर्माण के अगर आप पढ़ने के सदस्य बनना चाहें तो ये 12 महीना में 12 पत्रिकाएँ आती हैं और मात्र 150 रुपये इसका मूल्य है। युग निर्माण का 150 रुपये मूल्य है ना, 150 रुपये मूल्य में आपको पूरे 12 महीने पत्रिका मिलेगी। तो आप पत्रिका के ग्राहक भी बन सकते हैं, यहाँ आएंगे तो आपको पत्रिका भी मिल जाएगा, ये पैसा एक बार जमा हो जाता है। तो पढ़िएगा, अच्छा लगे तो आप जरूर सोचिएगा ना। ठीक है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद।